हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक टू थीटा गनर्स अगेन आज बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है तो आज की वीडियो में बेसिकली जो मेरी ट्रेड चल रही है बे अकाउंट वाली वो मैं पूरी एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैं आगे क्या चेंज करने वाला हूँ मंडे को और क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं आगे कि उसको एंड तक लेके जाया जा सके और होल प्रॉफिट उससे लिया जा सके एक ही बार में वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा कितनी देर तक होल्ड करना है कितनी देर तक नहीं करना है कौन सी प्लेस पर एडजस्टमेंट होगा एवरीथिंग ठीक है और आज मैं दिखाऊंगा कि अभी तक आर एंड फ्लाइज कर करके बे अकाउंट का क्या अपना पी एन एल रहा और अपना फायर्स का पी एन एल और स्मॉल अकाउंट का भी पी एन एल ये तीनों है और ट्यूजडे से मैं एक वन सी आर के अकाउंट में ट्रेड करके भी आपको दिखाऊंगा कि उसके ट्रेड्स कैसे होते हैं क्योंकि देखो बहुत डिफरेंस होता है एक स्मॉल अकाउंट पाँच दस लाख के और बीस लाख के और एक वन सीआर के अकाउंट में बहुत डिफरेंस होता है ट्रेडिंग के तरीकों में ठीक है तो अब प्रॉब्लम यह है कि वो मिक्सअप होगा आपको कैसे समझ में आएगा वो देखना पड़ेगा बट आई विल ट्राई टू मेक देम लाइक कि थोड़ा सेपरेटली रहे ठीक है मैं ट्राई करूंगा कि वन सी यार वाला जो भी ट्रेड ट्रेड्स वाला अकाउंट रहा होगा उसको मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूँ और जो बाकी है वो सब टेलीग्राम पे चलता ही है ठीक है तो जो लोग टेलीग्राम पे मतलब लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो और लाइवली फॉलो करना चाहते हो तो वो लोग टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स को फॉलो कर सकते हैं आपको बस अपने टेलीग्राम ऐप पर लिखना है थीटा गेनर्स सर्च बॉक्स में और आपको मिल जाएगा सेवेंटी टू का एक चैनल वही आपको ज्वाइन करना है बाकी सब फेक है देखो आज भी आज क्या था आज की एक सिंगल ट्रेड थी जो मैंने शायद मॉर्निंग में ही दे दी थी बिल्कुल पहले ही सिंगल ट्रेड थी नॉर्मल थर्टी फोर सेवन हंड्रेड का पी सोल्ड विद ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज एस पर लॉट पर लॉट का मतलब ये कि अगर आपने एक लॉट बेचा है ट्वेंटी फाइव क्वान्टिटी तो आपका पच्चीस सौ सौ पॉइंट का एस है और उतना ही गेन मोस्टली मैं रखता हूँ ये देखो उसके बाद ही मैंने ट्रेड ले ली थी ये रही लगभग दो के एवरेज प्राइस पे और आज ये क्लोज हुआ है प्रॉफिट विद ये देखो सेम ट्रेड है ऑर्डर्स में जाओगे अगर तो ये रहा देखो पहले मैंने ट्वेंटी फाइव सेल किए अराउंड नाइन ट्वेंटी थ्री पे फिर नाइन थर्टी फोर पे मैंने फिफ्टी क्वान्टिटी कर दी फिर नाइन थर्टी नाइन पे मैंने सेवेंटी फाइव कर दी एवरेज यही टू ट्वेंटी टू के आसपास आया और उसके बाद मैंने वन ट्वेंटी फोर पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया मैंने कुछ नहीं किया ठीक है तो ये आज का सिक्सटी फाइव हंड्रेड के आसपास का था आपको कितना मिला आई डोंट नो जो मिला हो यू कैन can... कमेंट में रख सकते हो और आप दुआ में याद रखो मुझे ठीक है एंड देन जो बिग अकाउंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए बट आज बिग अकाउंट थर्टी के के आस पास क्लोज हुआ है ये रहा थर्टी के के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है तो अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं एंड एट द एंड में अभी तक कितना हुआ बिग अकाउंट में और फायरस में वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो पहले देखो ट्रेड देखते हैं जो ट्रेड है ये देखो एमओ में जाओ मतलब में और ये जो ट्रेड है जो अभी चल रही है वो लगभग थर्टी थाउजेंड के प्रॉफिट में है और ये रही ट्रेड देखो जिसमें मैंने आ, ये रेशियो स्प्रेड है एक्चुअली ठीक है रेशियो स्प्रेड है जिसमें मैंने थोड़ा सा बाहर से एक्स्ट्रा सेलिंग करके कुछ कमाने का ट्राई किया ये रहे वो देखो नाइनटीन थाउजेंड एक्स्ट्रा इसमें मिल रहे हैं तो ये जो लेग है इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ जाके ऑप्श्रा में कि ये कैसा दिखेगा तो ये रहा देखो ये ट्रेड ये मैंने ऐसी डाली है मैंने एट द मनी थर्टी फाइव थ्री हंड्रेड का जो कॉल आउटपुट थार्टी फाइव थ्री हंड्रेड का ये मैंने बाई मारा था लगभग हजार हजार रुपए पे ये रहा उसके बाद मैंने दस दस लॉट मतलब इसके डबल जो थे थे वो मैंने ब्रेक ब्रेक पे सेल किए मतलब जहां पे इन दोनों का ब्रेक इवेंट आ रहा था वहां पे सेलिंग थी जैसे देखो पैंतीस का अगर कॉल और पुट आप बाई करोगे तो उनका ब्रेक इवेंट इन दोनों का एडिशन पे आएगा मतलब दो पॉइंट अवे तो आएगा अवे आएगा तो क्या हो जाएगा दो पॉइंट अवे थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड थर्टी सेवन थ्री हंड्रेड तो उसके आसपास जाके मैंने थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड एंड थर्टी थ्री थाउजेंड इन दोनों को सेल किया था लॉट्स ट्रेड को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था इससे ज़्यादा ट्रेड मुझे नहीं डालनी चाहिए थी ये था नॉर्मल ट्रेड रेशियो स्प्रेड बट ये करने से क्या होगा देखो मैंने डबल सेल भी कर दिया तो मैं यहाँ पे कितने कवर अप कर पाऊंगा छह सौ पॉइंट मैंने दिए कितने हजार पॉइंट तो मुझे बीच में एक रेड एरिया मिलेगा बड़ा बट मैं बड़ा रेड एरिया नहीं देना चाहता था उसके लिए मैंने क्या किया मैंने और दूर से मतलब लगभग बिल्कुल ही पॉइंट फाइव डेल्टा से थर्टी नाइन थाउजेंड एंड थर्टी टू थाउजेंड को भी पांच पांच लॉट बेचा जिसकी वजह से ये जो बीच का रेड पार्ट है ये मैंने और कम कर दिया ये क्रेडिट लेके ठीक है तो ट्रेड कैसी बनी ट्रेड बनी कि अपर साइड का ब्रेक इवन कहाँ पे थर्टी नाइन थाउजेंड पे बहुत दूर है ठीक है और डाउन साइड का ब्रेक इवेंट थर्टी वन थाउजेंड मतलब अगर आप ब्रेक इवन देखने जाओ एक्चुअली में तो इतना ज्यादा है कि यू कैंट इवन इमेजिन कि ये कब तक कितनी दूर तक सही रहेगा कहीं नहीं रहेगा बट मेरे हिसाब से मैंने उसको जुलाई के लिए बिल्कुल एक तरीके से पकड़ लिया था ये मैं डिलीट कर देता हूँ सारे और डेली में जाओ डेली चार्ट यू कैन सी कि जो मेरा अपर ब्रेक इवेंट है वो है यहां पे और जो डाउन साइड ब्रेक इवेंट है दैट इज थर्टी वन ये रहा ठीक है ये दोनों की रेंज अगर आप नापोगे तो दैट इज बेसिकली एट थाउजेंड पॉइंट्स फोर थाउजेंड अपड डाउन इज मोर देन इनफ इट इज ऑलमोस्ट टेन परसेंट मूवमेंट ठीक है और मूवमेंट ऐसे एक बार में नहीं होता है इट हैज टू टेक मतलब थोड़ा सा टाइम लेके होता है जेगजैक फॉर्म में मूव होता है देखो ये जेग्जैक फॉर्म में मूव हो रहा है उसी का फायदा हम ऑप्शन सेलर लोग उठाते हैं और वही ये ट्रेड है यहाँ पे ठीक है अब देखो क्या हुआ मार्केट पहले यहाँ पे गए देखो जब मैंने ट्रेड बनाई उसके बाद क्या हुआ ना मैंने ट्रेड बनाई थी ऑलमोस्ट लगभग पच्चीस मई के आसपास यहाँ पे मार्केट देखो गिरी बढ़ी सब कुछ हुआ उसके बाद क्या हुआ ना ट्रेड वहीं पे आ गई है जहाँ पे मिडिल सेंटर पॉइंट है तो एक्चुअली देखो सेंटर पॉइंट में हमें लॉस होना चाहिए करेक्ट मार्केट अगर लॉट के सेंटर पॉइंट पे आई है जिग जिगजैक हो गई है साइडवेज हो गई है तो हमें लॉस होना चाहिए बट एक्चुअली में क्या हो रहा है एक्चुअली में हमें तीस का प्रॉफिट हो रहा है दैट इज टू ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल तेरह लाख डिप्लॉय हुए हैं इस ट्रेड में तो थर्टी हो रहा है मुझे टू ऑलरेडी मिल रहा है मैं चाहूँ तो इसको बुक कर सकता हूँ बट नो जब मुझे पता है इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो इसका प्रॉफिट पता क्यों हो रहा है मिडिल में जस्ट बिकॉज कि हम बहुत दूर हैं एक्सपायरी से 29 जुलाई अभी पूरे 30 दिन बाकी हैं तो उसकी वजह से क्या है ना डिके नहीं हो पा रहा है नियर द मनी में उस वजह से ये सब हो रहा है और आउट ऑफ द मनी में डिके हो रहा है तो नेक्स्ट चेंज जो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है मैं जो करने वाला हूं देखो मेरे लिए बैंक निफ्टी अभी नियर सिनैरियो में बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि ये मैं गया डेली की जगह आवरली में आवरली में बैंक निफ्टी का ये रहा तो अब मेरे लिए ये है कि मार्केट थोड़ा सा वापस से मोमेंटम गेन कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए तो अगर ऊपर की तरफ जाने के लिए मोमेंटम गेन कर रहा है तो अगर ये, तो ये, तो ये, तो ये, तो ये क्रॉस कर ले जाएगा मंडे को थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड तो मैं क्या करूंगा ट्रेड में जाऊंगा और ये जो पी वाला है ना थर्टी टू थाउजेंड वाला जो पी है उसको बुक कर लूंगा तो जैसे कि यहाँ पी में जाओगे उसका प्राइस कितना हो गया अब एट्टी तो मैं इसको बुक करूंगा एट्टी सेवन पे एंड मॉडिफाई और इसकी जगह मैं थर्टी टू फाइव हंड्रेड का पी बेच दूंगा बिकॉज मार्केट बहुत ऊपर चली गई तो ये मैं गया ऑप्शन चेन में और थर्टी टू फाइव हंड्रेड ऑल स्ट्राइक ये थर्टी टू फाइव हंड्रेड एक सौ पच्चीस का है सेम पांच लॉट जो पहले था ये किया मैंने सेल एंड बैक टू ऑप्शन ये रहा चार्ट अब देखो वो करने से क्या हुआ कुछ कोई खास चेंज नहीं आया अभी भी हम वहीं के वहीं हैं बट अब हमें क्या होगा हमारा धीरे धीरे ये जो मिडिल का पार्ट है इसका क्रेडिट का लॉस और लो होता चला जाएगा जितना हम यहाँ पे गेन करेंगे अब देखो मैंने 87 को उड़ा के मैंने पचास रुपए और ज्यादा ले लिए हैं पांच लॉट के हिसाब से तो धीरे धीरे ऐसे ही कवरेज में करता रहूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि मार्केट यहाँ इन दोनों में कहीं क्लोज हो जिससे मुझे नियर टू वन लाख रुपीज मिले जो मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे कि ये जो ट्रेड है इससे मुझे प्रॉफिट वन लाख की उम्मीद है और मैं वहीं पर करूंगा जहां तक एडजस्टमेंट की बात है स्ट्रेट में तो जब तक ये वाला शार्प पॉइंट टॉप पॉइंट और ये वाला टॉप पॉइंट नहीं आता है आई विल नॉट डू एनी एडजस्टमेंट सिंपल ठीक है डाउन साइड में आई विल ट्राई कि मार्केट अगर सपोर्ट तोड़े सपोर्ट का मतलब मेरे लिए होगा थर्टी फोर थाउजेंड यहां से अगर थर्टी फोर थाउजेंड नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तभी मैं जाके कुछ सोचूंगा कि इसमें मुझे कुछ चेंज करना है अदरवाइज ट्रेड में कोई चेंज नहीं होगा डाउन साइड में अपर साइड में मैं तभी बाई करूंगा ब्रेक इवन जब इसको क्रॉस करेंगे मार्केट जब तक मार्केट थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड नहीं पहुंच रहा है तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा अगर पहुंच गया तो आई विल बाई दिस ब्रेक इवन दिस ब्रेक इवन इज थर्टी नाइन थाउजेंड तो मैं कुछ नहीं करूंगा जाके ऐसे ऑप्शन में गया एंड थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड वन हंड्रेड क्या फाइव हंड्रेड ही ले लो इसको मैं बाई कर दूंगा उसकी वजह से मेरी जो अपर साइड है और उसकी वजह से ब्लू लाइन भी बट इन दोनों की अभी कोई नीड नहीं है सही बताऊं ठीक है? है क्योंकि अभी ब्लू लाइन देखो बहुत दूर तक मुझे लॉस देने के लिए रेडी नहीं है कल मार्केट सैतीस हजार नहीं खुलने वाला है कल मार्केट चौतीस हजार नहीं खुलने वाला है तो उसी हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करनी है बट ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है ये मैं 87 सेवन पे बुक करके 32,000 का पी 32,500 को बेच दूंगा पचास रुपए ऊपर

अपना टू थर्टी थाउजेंड और चल रहा है तो मतलब तीन 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 है। तो मतलब लाख 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 के के आसपास आसपास का का है 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 इसमें इसमें हमने अभी तक क्या किया में में देखो ठीक है, है उस इसमें मैंने मेनली उन्तीस अप्रैल मतलब उन, अप्रैल में एक तरीके से मान लो मैंने फर्स्ट मे से स्टार्ट किया था ट्रेड करना फर्स्ट मे से अभी तक uh, फर्स्ट जून एंड फर्स्ट जुलाई नियर टू टू मंथ्स होने वाले ठीक है नियर टू टू मंथ्स होने वाले हैं और ये पच्चीस लाख के आसपास का पच्चीस लाख पचहत्तर हजार के आसपास मैंने स्टार्ट किया था अभी इसमें नियर टू ट्वेंटी एट है तो एक तरीके से मान लो दो महीने में डेढ़ डेढ़ लाख भी एवरेज मान लो तो दैट तो इज अराउंड फाइव या सिक्स का एवरेज गेन है ठीक है थ्री पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है तो एवरेज गेन यही कुछ लगभग पांच के आसपास का पांच परसेंट हाँ छह परसेंट के आसपास का गेन है नियर टू दैट छः साढ़े सात परसेंट ठीक है सात परसेंट का गेन है मंथली बेसिस पे तो मुझे लगता है कि ट्वेंटी फाइव लैक्स के अमाउंट में सात परसेंट का मंथली गेन इज ओके फॉर लास्ट टू मंथ्स ठीक है इसमें मैंने ज़्यादातर लगातार एट आयरन फ्लाई की है लगातार एट आयरन फ्लाई किए लाइन से विदाउट एनी चेंज और सारी टेन लॉट्स के साथ थी सारी की सारी टेन लॉट्स के साथ हैं सारी अगर कहीं पे आपको ज़्यादा लॉट्स दिख जाए तो ये जैसे 500 है तो इसका मतलब है ये ये स्ट्राइक मैंने दो बार यूज कर ली होगी सेम काम के लिए इस वजह से हुआ होगा ठीक है ये ये रहा देखो 35 दो सौ दो बार यूज हो गई इसलिए हुआ होगा और ये रहा अपना कितना थ्री लैक्स थ्री थाउजेंड के आसपास तो ये हो गया अपना मोतीलाल वाला मोतीलाल में हमने अभी तक सिर्फ यही यही काम किया है आर एन फ्लाई और मैंने पहली बार ये रेट डाली है रेशियो स्प्रेड है जस्ट टू टेक द बेनिफिट ऑफ मोमेंटम ठीक है उसके बाद फायर्स आप जानते हो फायर्स मेरा अकाउंट कैसा है फायर्स मेरा बेसिकली फुली फुली बुल बुल अकाउंट है मतलब कि इसमें मैं नॉर्मली हमेशा ब्रेकआउट्स पे या नीचे थोड़ा मार्केट ड्रॉप होने पे फ्यूचर खरीदता रहता हूँ तो इसमें फंड्स uh, देखोगे आप इसमें फंड्स अभी दिखा रहा है फाइव पॉइंट फाइव फोर लैक्स और अभी प्रॉफिट चल रहा है ट्वेंटी टू का तो ये नियर टू लगभग पांच सत्तर हो रहे हैं इसको मैंने स्टार्ट किया था तीन लाख पैंसठ हज़ार से ठीक है तीन लाख पैंसठ हज़ार से स्टार्ट किया था जस्ट परफेक्टली शायद डेढ़ महीने पहले इसमें भी नियर टू टू लैक्स का प्रॉफिट है ठीक है अब प्रॉब्लम ये पता नहीं ये ऑनलाइन में ये अकाउंट्स वाला पार्ट खुल ही नहीं रहा तब से मेरे से ठीक है? है उसमें खुल जाता है क्या बोलते हैं फोन में तो मैं उसमें लेजर मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया कि इसमें फायर्स में दिखता कैसा है फायर्स में खाली ट्रेडिंग चल रही है ठीक है तो मुझे किस किसी ने देखा हो तो मुझे बताना ना कहाँ से एक्चुअली में वो ट्रेड वाइज आ जाता है जैसा ये है ना ये जैसा निकलता है ना वैसा ट्रेड वाला फायर्स में कहाँ से निकलता है तो प्लीज ट्राई करना किसी को पता हो तो मुझे मैसेज कर देना या बता देना ठीक है अदर देन दैट नियर टू थ्री पॉइंट सिक्स फाइव से स्टार्ट किया था और ये फाइव पॉइंट फाइव फोर है ठीक है और इसमें दो ट्रेड हुई है एक ट्रेड मैंने जब मे का फ्यूचर फुल एंड तक चलाया था उसको मैंने बाई किया था कब लगभग तीस हजार समथिंग तीस हजार नौ सौ के प्राइस पे बाई किया था एक लॉट और उसको मैंने लास्ट तक खींचा था उसके बाद ये देखो अभी चल रहा है ये भी जुलाई का फ्यूचर है जो मैंने बाई कर दिया है ट्वेंटी फिफ्टी है ये भी मैंने बुल साइड की ट्रेड के लिए ही डाला है तो अगर मार्केट ऊपर को जाता है तो मुझे इसका फायदा मिलता रहेगा एंड दो चार ट्रेड इसमें रही हैं कौन सी दो चार ट्रेड्स थी अब एक तो ये अकाउंट नहीं खुल रहा दो चार ट्रेड्स थी मैंने पुट बेच रखा था सिंपल और कुछ भी नहीं ठीक है और काइट का काइट का तो नॉर्मली चल रहा है आज की ट्रेड है अपनी सिक्स फाइव टू वन जो मैंने आज बुक किया है कल हमने बुक किए थे चार हजार दो सौ रुपये तो इसका नॉर्मल है स्मॉल अकाउंट है इसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो इट्स गोइंग फाइन ठीक है तो अभी नेक्स्ट क्या नेक्स्ट ये है कि मैं ट्यूजडे से ट्यूजडे से आपको वन सीआर का अकाउंट दिखाऊंगा वन सीआर में कैसे कैसे ट्रेड डालेंगे मैं ज़्यादातर ट्राई करूंगा वन सीआर में कि थोड़ा सा रिस्क डिफाइंड ट्रेड डालूं और लो रिस्क प्रोफाइल वाले ट्रेड हो और जिनको हमें मैनेज करना ईजी हो जिनको हम फंसए ना क्योंकि फंसेगी ट्रेड वन सीआर में तो आपको प्रॉब्लम होगी इस वजह से मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स हों सारी की सारी और ट्रेड्स में एडजस्टमेंट इजी होना चाहिए इजी एडजस्टमेंट का मतलब होता है वन क्लिक आप कंफ्यूज्ड ना हो किसी भी एडजस्टमेंट को लेके तो इसलिए उस टाइप की ट्रेड्स डालूंगा ओके टिल देन अभी के लिए ये वाली ट्रेड्स ये वाली ट्रेड बे अकाउंट में आई एम ट्राइंग कि बुक करूं एंड देन मैं नई ट्रेड डालूं अदरवाइज देखो क्या है कोई सेंस नहीं बनता वैसे तो मुझे ट्रेड डालनी चाहिए तेरह लाख यूज हो रहे हैं अभी भी तेरह चौदह लाख बाकी बचे हुए हैं तो मैं चाहू तो एक आयरन एन फ्लाई भी साथ में डाल सकता हूं बट क्या होता है यहाँ पे जब जाऊंगा ना मैं और यहाँ पे देखूंगा नेट पोजिशंस में तो यहाँ पे पूरा एक मिक्सअप बन जाएगा बिल्कुल कचरा हो जाएगा तो उस कचरा को मैं कंट्रोल करने के लिए कर रहा हूं अदरवाइज मैं चाहूं तो उसको यूज कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से ओके तो आप देख सकते हो कि आई एम अ लिटिल बुलिश अब दिस जैसे ही मार्केट थर्टी फाइव सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड के ऊपर जाएगी ना तो थोड़ा सा मार्केट जंप करेगी तो उस जंप का हमें फायदा देखो यहाँ भी मिलेगा मेरे पास फ्यूचर बाई है ठीक है ये डेली सेटल हो जाता है तो इसका कुछ कर नहीं सकते डेली सेटलमेंट होता है इसका और एमओ में भी अगर मार्केट यहाँ से देखो अब मार्केट क्या करेगा ना अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए अब उसने अंदर जाना शुरू कर दिया ब्लू लाइन ने तो इसका मतलब है अब धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा अभी आपने देखा होगा कि इस वाली ट्रेड में बिग अकाउंट वाली में रोज कभी दस कभी बारह कभी सोलह फिर दस फिर चौदह आपने लगातार पांच छह दिन से यही देखा होगा कि यहीं पर मंडरा रहा है आज पहली बार थर्टी के पास गया ये तो इसका मतलब है अब मार्केट डिके स्टार्ट हो गया है अब अब मार्केट में आपको जैसे ही मूवमेंट आएगा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा ओके तो देखते हैं क्या चलता है और जिसको भी ये ट्रेड फॉलो करनी हो जैसे ये वाली ट्रेड है मैं रोज डेली ही स्टार्टिंग uh, से डालता हूँ तो वो थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन करो आपको यहाँ पे सारी ट्रेड्स एडजस्टमेंट सब कुछ मिल जाएंगे तो यू कैन ज्वाइन एंड एंजॉय ठीक है चलो बाय बाय और मैं जो नेक्स्ट ट्रेड है नेक्स्ट ट्रेड ये रहेगी कि मैं आयरन फ्लाई के थोड़े एडवांस एडजस्टमेंट बताऊंगा जो पहला एडजस्टमेंट मैंने बताया था वो तो कैसा वो ईजिएस्ट वन है जो मैंने आयरन फ्लाई का एक वीडियो बनाया था ना कहा गया कहा गया ये जो वीडियो है ना ये इजिएस्ट बने मतलब ये तो वो वाला है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ठीक है ये एक तरीके का इसको एडजस्टमेंट भी मत बोलो ये एक तरीके का बस लॉस कम करने का तरीका है ठीक है दिस इज नॉट एन बेटर मतलब बहुत परफेक्ट एडजस्टमेंट तो मैं थोड़े से एडवांस एडजस्टमेंट दिखाऊंगा कि आर एंड को और कितने तरीकों से कर वैसे करने को तो पता नहीं कितने तरीकों से कर सकते हैं बट जो थोड़ा सा प्रेफर्ड रहेगा मेरी तरफ से अगर बड़े अकाउंट में कर रहा हूं मैं तो मैं वो शेयर करूंगा निफ्टी के ऊपर इस बार ठीक है तो होल कंडीशन सेम बैक टेस्टिंग एवरीथिंग निफ्टी के ऊपर रहेगा नेक्स्ट वीडियो ठीक है चलो बाय बाय टाटा